हेलो दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है एच टू स्टडी चैनल। आज हम लोग दो टॉपिक कवर करेंगे। पहला है रेनॉल्ड्स नंबर पढ़ेंगे और दूसरा टर्मिनल वेलोसिटी पढ़ेंगे। देखिए, रेनॉल्ड्स नंबर, ये बहुत लोगों को समझ में नहीं आता है कि रेनॉल्ड्स नंबर होता क्या है। देखिए, रेनॉल्ड्स नंबर, उसमें जो नंबर दिया हुआ है वो तो बहुत टाइप का, मतलब हर एक बुक में देखिएगा, हर एक जगह हर एक जैसा जैसा नंबर मिलेगा आपको। लेकिन रियल में रेनॉल्ड्स नंबर किस लिए यूज किया जाता है, आखिर इसका काम क्या है, ये देखेंगे। बहुत जगह देखिएगा उसका डेफिनेशन मिलेगा, इट इज ए रेशियो ऑफ ये बाई ये, ओ बाई ओ बाई, ऐसे ऐसे बहुत सारा मिलेगा। लेकिन इस वीडियो में हम आप लोगों को बताएंगे कि रियल में रेनॉल्ड्स नंबर होता क्या है। इस वीडियो में आप लोगों को टोटल डाउट क्लियर हो जाएगा। लेकिन उसका नंबर जो है, नंबर बहुत जगह बहुत टाइप का मिलेगा, वो भी देखिए बताएंगे क्या कराता है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो शुरू से लेकर लास्ट तक देखिए, पूरा समझ में आ जाएगा एकदम। देखिए, रेनॉल्ड्स नंबर ये क्या है, एक नंबर है, ठीक है, नंबर तो है, मान रहे हैं, लेकिन नंबर है तो ये कहाँ, कैसे कैसे यूज होता है वो देखिए। सबसे पहले हम लोग कहाँ चलते हैं, पीछे चलते हैं। हम लोग फ्लो पढ़े थे, लिक्विड ऑफ फ्लो पढ़े थे, कौन कौन सा, एक स्ट्रीम लाइन फ्लो पढ़े थे और एक टर्बुलेंट फ्लो पढ़े थे। स्ट्रीम लाइन फ्लो को कहीं कहीं आप लोग को लेमिनार फ्लो भी मिल सकता है, स्टेडी फ्लो भी मिल सकता है। तो उतना गड़बड़ाइएगा मत कि मतलब ये नहीं बताए थे। तो स्ट्रीम लाइन फ्लो को हम लोग लेमिनार फ्लो भी, स्टेडी फ्लो भी, ये भी बता बोल सकते हैं। और एक क्या है, टर्बुलेंट फ्लो। और एक हम और फ्लो बताए थे क्या, सॉरी, एक और हम बताए थे, एक क्रिटिकल वेलोसिटी बताए थे कि जो स्ट्रीम लाइन से टर्बुलेंट में जैसे ही चेंज होता है उस टाइम एक क्रिटिकल वेलोसिटी आता है, जिस वेलोसिटी पे मतलब वो स्ट्रीम लाइन से टर्बुलेंट में फ्लो, टर्बुलेंट में चेंज हो जाता है, उसी को हम लोग बोलते थे क्रिटिकल वेलोसिटी। तो इन तीनों से रिलेटेड है। देखिए एकदम एग्जाम्पल के साथ साथ पढ़ेंगे क्या क्या हो सकता है। सबसे पहले हम लोग क्या पढ़ते हैं, सबसे पहले एक ऐसे फिगर बनाते हैं, फिगर बनाते हैं। इसमें है ना लिक्विड फ्लो कर रहा है, लिक्विड फ्लो कर रहा है और स्ट्रीम लाइन फ्लो में एकदम फ्लो कर रहा है। यानी ये पाइप है, इस पाइप का कुछ अपना डाया होगा, अपना कुछ इसका, इसका अपना कुछ डाया होगा, ऐसे बना देते हैं, कैसे भी बना देते हैं। ये स्ट्रीम लाइन पानी फ्लो कर रहा है, स्ट्रीम लाइन फ्लो कर रहा है, इसमें डाया क्या है, डी है। तो मान लेते हैं कि इसमें आखिर इसमें ये कैलकुलेशन करते हैं कि इसमें कितना पानी फ्लो कर रहा है। तो कितना पानी फ्लो करेगा, जितना इसका वेलोसिटी है, सॉरी, जितना इसका वॉल्यूम है उतना ही तो पानी फ्लो करेगा, जितना वॉल्यूम है उतना ही पानी फ्लो करेगा। और हम लोग निकालते हैं कि मतलब कितना पानी फ्लो कर रहा है पर सेकेंड में, यानी एक सेकेंड में कितना पानी फ्लो कर रहा है, यानी क्वालिटी ऑफ लिक्विड, सॉरी क्वालिटी नहीं, क्वांटिटी ऑफ लिक्विड पर सेकेंड, यानी भी वॉल्यूम कितना निकलेगा हम लोग को यहाँ पे। वॉल्यूम बराबर क्या होगा, एरिया इंटू वेलोसिटी। और ये क्या है, वॉल्यूम पर सेकेंड, यानी लिक्विड कितना फ्लो कर रहा है पर सेकेंड में, यहाँ लिखते हैं पर सेकेंड। तो क्या होगा, एरिया इंटू वेलोसिटी। इसका एरिया इंटू वेलोसिटी कहने का मतलब क्या है कि इसका जो एरिया है, ये हम लोग का पाइप है, पाइप का एरिया क्या हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर इंटू इसमें कितना वेलोसिटी से पानी जा रहा है, यही हम लोग को क्या करेगा, क्या बताएगा कि एक सेकेंड में कितना पानी फ्लो हो रहा है। और किसी को यहाँ समझ में नहीं आया होगा कि देखिए, अच्छा वॉल्यूम मतलब क्या, एरिया इंटू हाइट, यहाँ लिख सकते हैं एरिया इंटू ये वाला लेंथ लिख सकते हैं, और लेंथ में ही क्या किए, वेलोसिटी मतलब क्या, मीटर पर सेकेंड, इसी में क्या किए, सेकेंड से भागा दे दिए, भाग दे दिए, तो ये क्या निकल गया, वेलोसिटी पर सेकेंड, और कुछ तो नहीं किए, वेलोसिटी यानी एरिया ये है और वेलोसिटी पर सेकेंड, इसमें क्या है, इसमें लेंथ भी है और टाइम भी मेंशन किया हुआ है। ये तो हुआ स्ट्रीम लाइन। अब देखिए, कभी कभी ये एक टर्बुलेंट फ्लो, दोनों बनाते हैं, इसके बाद ही पता चलेगा कि रियल में क्या होता है। और ये देखिए, ये एक इंजीनियरिंग टर्म है, मतलब इट इज ए नंबर विच इज यूज ड्यूरिंग द फ्लो ऑफ लिक्विड। जब लिक्विड फ्लो करता है तब हम लोग इसको यूज करते हैं, और जब लिक्विड फ्लो करता है तो या तो वो स्ट्रीम लाइन फ्लो, स्ट्रीम लाइन में फ्लो करेगा या वो टर्बुलेंट में फ्लो करेगा। तो यही दोनों कंडीशन से तो हम लोग रेनॉल्ड्स नंबर पकड़ेंगे या क्या करो, उसका यूज क्या है। तो इट इज ए नंबर ऑफ विच इज यूज ड्यूरिंग द फ्लो ऑफ लिक्विड एंड इट इज रिलेटेड टू इंजीनियरिंग। ये इंजीनियर्स लोग इसको कैसे यूज करता है, ये इंजीनियर्स लोग ही यूज करता है, जो सिविल वाले होते हैं उन लोग इसको ज्यादा यूज करते हैं, लेकिन बेसिक है, इसको सबको जानना है। अब ये देखिए, ये क्या है, टर्बुलेंट फ्लो। अब इसमें देखिएगा, टर्बुलेंट फ्लो है मतलब क्या कि लिक्विड ऐसे फ्लो कर रहा है, लिक्विड तो ऐसे स्टार्टिंग में फ्लो कर रहा था ऐसे, और ये टर्बुलेंट क्या हो जाता है, यहां से ऐसे मुड़ के ऐसे फ्लो करने लगता है।
मतलब क्या कि यहां से ऐसे मुड़ के ऐसे नीचे से ऐसे फ्लो करने लगेगा, यहां से ऐसे जा रहा ऐसे फ्लो करने लगेगा, फिर यहां से ऐसे आ रहा है, फिर यहां से ऐसे फ्लो करने लगे आगे की ओर जाने लगेगा। तो यहां देखिए ये जो लिक्विड यहाँ फ्लो कर रहा है, ये लिक्विड क्या है, ये लिक्विड जैसे ही अगर सीधा सीधी फ्लो करता तो ऊपर तो ये जो पाइप का दीवाल है उधर कोई फोर्स नहीं लग रहा था, उतना प्रेशर नहीं पड़ रहा था क्योंकि ये सीधा जा रहा था। और ये जैसे ही सीधा से थोड़ा सा ऊपर उठा तो ये क्या हुआ, इस पॉइंट पे गौर कीजिएगा, इस पॉइंट पे क्या कर रहा है, इस पॉइंट पे नीचे से ये प्रेशर लगा रहा है, और नीचे से क्या कर रहा है, अंदर से मतलब इंटरनल जो पानी बह रहा है वो क्या कर रहा है, जैसे ही टर्बुलेंट में आएगा वो पाइप पे प्रेशर लगाएगा, और पाइप पे प्रेशर लगाएगा तो पाइप तो फट जाएगा। और मान लीजिए आप लोग, मान लीजिए का आप लोग देखे हैं, सब चीज देखे हैं रियल लाइफ में, टोटल फिजिक्स है रियल लाइफ में आप लोग देखे होंगे, लेकिन उस जगह पे आप लोग पहुंच नहीं पाएंगे। जैसे देखे होंगे कि पाइप, ऐसे पाइप में पानी फ्लो करता होगा, तो कभी कभी देखिएगा ना कि पाइप क्या आता है, फट जाता है यहाँ बीच में, या इधरे फट जाता है, कहीं फट जाता है। ऐसे भी देखे अगर सप्लाई वाला पानी, ऐसे भी देखते होंगे कि सप्लाई वाला पानी आ रहा है ना, तो पता चलता है ना कि बीच बीच रास्ते में सप्लाई वाला पानी फट गया, जिसके चलते हम लोग के घर तक पानी नहीं पहुंच पाया। तो आखिर ये सब होता कैसे है, ऐसे ही होता है कि जैसे ही स्ट्रीम लाइन फ्लो में पानी बह रहा था, पानी बह रहा था, और क्या हुआ, अचानक वो अपना डायरेक्शन चेंज कर दिया। और ये चेंज कैसे हुआ, ये चेंज वेलोसिटी के चलते, यानी कभी पानी का वेलोसिटी ज्यादा, जैसे पंप का स्पीड, जो पंप होता है मोटर होता है उसका स्पीड हाई कीजिएगा तो पानी का वेलोसिटी बढ़ जाएगा, प्रेशर लो कीजिएगा तो पानी का वेलोसिटी कम हो जाएगा। ऐसे ही क्या होता है मोटर में, मोटर का वोल्टेज बढ़ाइएगा तो थोड़ा और पानी तेजी से देने लगेगा। तो ये सब क्या, वेलोसिटी पे डिपेंड करता है। तो जैसे ही यहाँ पे क्या ये लगा रहा है, बाहर की ओर फोर्स लगा रहा है, बाहर की ओर फोर्स लगा रहा है, बाहर की ओर प्रेशर जनरेट कर रहा है, प्रेशर जनरेट करेगा तो यहाँ पाइप क्या होगा, फट जाएगा। आखिर पाइप फटिए गया तो हम लोग को फायदा क्या हुआ पाइप लगाने का, तब तो यहाँ इंजीनियर का कोई दिमागी काम नहीं किया। जब पाइप फट ही जाएगा तो हम लोग लगाएंगे क्यों, यहाँ ये सवाल उठता है। तो ये पाइप को फटने से बचाने के लिए, इस पाइप को फटने से यहां बचाने के लिए हम लोग को रेनॉल्ड्स नंबर का यूज किया जाता है। यानी रेनॉल्ड्स नंबर किस लिए यूज किया जाता है, पाइप को सेव करने के लिए, यानी पाइप को बचाने के लिए हम लोग को रेनॉल्ड्स नंबर का यूज किया जाता है। आई होप यहां तक समझ में आ गया होगा कि रेनॉल्ड्स नंबर क्या होता है, रेनॉल्ड्स नंबर को क्यों हम लोग करते हैं, यानी ये रेनॉल्ड्स नंबर जनरली इंजीनियर्स लोग यूज करते हैं। जिस समय पाइप को, जो सप्लाई वाटर होता है उसका पाइप जनरल जिस समय बिछाते हैं, जो ऐसे देखते होंगे कि रोड के किनारे 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 पाइप बिछ रहा है, तो वो सब उस समय हम लोग यूज करते हैं। और जिस समय पाइप बनता है उस समय भी उसको देखा जाता है कि उस पाइप में कितना वेलोसिटी से पानी जा सकता है। अब इसके अंदर बहुत लंबा कहानी लिखा जाएगा, जैसे फ्लूड मैकेनिक्स अगर कोई पढ़ रहे होंगे तो उन लोग को पता चल रहा होगा कि कैसे कैसे काम करता है। तो बस यहाँ यही आप लोग ध्यान में रखिएगा, जो बेसिक है एकदम बेसिक चीज, कि रेनॉल्ड्स नंबर क्या होता है, रेनॉल्ड्स नंबर एक नंबर है जिसको हम लोग यूज कब करते हैं, जब लिक्विड फ्लो करता है, और किस लिए यूज करते हैं, पाइप को सेव करने के लिए, यानी पाइप को फटने से बचाने के लिए हम लोग उसको यूज करते हैं। ये जो एक्स्ट्रा प्रेशर आ जाता है, इसी एक्स्ट्रा प्रेशर को हम लोग को क्या करना है, कम करना है। तो इसी एक्स्ट्रा प्रेशर को कम करने के लिए हम लोग को क्या करना होगा, इसका जो लिक्विड का वेलोसिटी है, पानी का वेलोसिटी है, वो कम करना होगा। जैसे और देखिए आगे बढ़ते हैं, तो यहां तक समझ गए। अब यहां समझते हैं कि रेनॉल्ड्स नंबर जो होता है वो किस किस चीज पे डिपेंड करता है, वो देखिए। तो यहाँ क्या है, ये है रेनॉल्ड्स नंबर, ऐसे प्रूफ नहीं कर रहे हैं क्योंकि प्रूफ उतना पूछेगा नहीं आप लोगों को। रेनॉल्ड्स नंबर किस किस पे डिपेंड करता है, यहाँ रो भी डी बट्टा इटा, यहाँ क्या क्या है, सो देखिए यहाँ ये रो क्या है, रो डेंसिटी ऑफ लिक्विड, डेंसिटी ऑफ लिक्विड, ठीक। फिर यहां भी क्या है, वेलोसिटी ऑफ लिक्विड, वेलोसिटी ऑफ लिक्विड। डी क्या है, डाया ऑफ पाइप, मतलब डायमीटर व्यास, कितना उसका मुंह जो रहता है ना, उसका पाइप का मुंह कितना चौड़ा है। डी इटा क्या है, इटा कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, ठीक। अब देखिए यहां ये रेनॉल्ड्स नंबर किसके किसके, ये तो हम लोग को डेंसिटी तो पता चल जाएगा, लिक्विड का डेंसिटी, या तो हम लोग पानी सप्लाई करेंगे या हम लोग तेल सप्लाई करेंगे, यही सब सप्लाई कर सकते हैं पाइप के थ्रू, और तो कुछ कर नहीं सकते। गैस भी सप्लाई होगा लेकिन अभी नहीं, भविष्य में कभी होगा। फिर डी क्या है, डाया ऑफ पाइप है। इटा क्या है, कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। अब यहाँ जो ये वेलोसिटी है ना, ये वेलोसिटी पे डिपेंड कर, देखिए ये वेलोसिटी बहुत यहाँ काम करता है।
कब, देखिए जिस समय हम लोग को एक सेम वेलोसिटी के साथ पानी आगे जा रहा था, तो देखिएगा कि वो धीरे धीरे मतलब वो स्ट्रीम लाइन के रूप में जा रहा था, लेकिन जैसे ही वेलोसिटी हम लोग बढ़ा दिए, तो जैसे ही वेलोसिटी बढ़ाया तो वो टर्बुलेंट में आ गया, और टर्बुलेंट में आ गया तो पाइप फटने का ज्यादा डर हो गया। क्यों? क्योंकि टर्बुलेंट के साथ जो पानी सीधे जाना चाहिए था, वो क्या किया, नीचे पाइप की ओर प्रेशर लगाना शुरू कर दिया। तो पाइप की ओर प्रेशर लगाना शुरू कर दिया, तो पाइप की ओर प्रेशर लगाएगा तो ऐसे ही मतलब पाइप फट जाएगा। पाइप फट जाएगा तो जितना भी फंड हम लोग को मिला था पाइप यानी वाटर सप्लाई के लिए, सब फंड ऐसे ही खत्म हो जाएगा, केस होगा, मुकदमा होगा, फिर इंजीनियर्स लोग फंसेंगे, यही सब होता है। अभी धीरे धीरे आगे आप लोग जो बढ़ रहे होंगे उन लोगों को पता चलता होगा क्या होता है रियल इंजीनियर का लाइफ, कैसे कैसे वर्क होता है। तो देखिए ये वेलोसिटी है, यानी इस वेलोसिटी, अब यहाँ रेनॉल्ड्स नंबर किस पे डिपेंड कर रहा है, ये खासकर इस वेलोसिटी पे। तो इसी वेलोसिटी को देखते हुए हम लोग क्या करते हैं, इस पानी में यानी सॉरी पाइप को देखते हुए हम लोग क्या करते हैं, उसमें पानी का वेलोसिटी एक कांस्टेंट रखते हैं कि हाँ इतना ही वेलोसिटी से हम लोग को पानी आगे ले जाना है। तो रेनॉल्ड्स नंबर, अब इस पे रेनॉल्ड्स नंबर बोला था कि अगर इतना जो रेनॉल्ड्स नंबर है, बोला था कि उतना से अगर कम रहेगा, यानी उतना रेनॉल्ड्स नंबर से कम रहेगा, तो वो पानी सेफली एकदम धीरे 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 अपना मंजिल तक पहुंच जाएगा। लेकिन अगर उतना से जो रेनॉल्ड्स नंबर उतना से जैसे ही ज्यादा हुआ, जैसे ही ज्यादा होगा, तो क्या होगा, पाइप फटने का ज्यादा चांस रहता है। और ये ध्यान रखिएगा कि जब लीनियर, जब स्ट्रीम लाइन फ्लो में वेलोसिटी करता है, उस समय जो स्ट्रीम लाइन फ्लो है उसका जो क्रिटिकल वेलोसिटी है वो लेस होता है, सॉरी जो ये जो क्रिटिकल वेलोसिटी है यानी जो स्ट्रीम लाइन फ्लो है ओरिजिनल वेलोसिटी से, जैसे क्रिटिकल वेलोसिटी कब बोलते हैं हम लोग, ये आएगा एग्जाम में, आ सकता है 1 मार्क्स। क्रिटिकल वेलोसिटी कब होता है, जब स्ट्रीम लाइन से किस में जाता है, टर्बुलेंट में, यानी वो ज्यादा से ज्यादा टर्बुलेंट में ही फ्लो ही हो जाता है, कंसीडर हो जाता है। तो जो ये भी वेलोसिटी स्ट्रीम लाइन वेलोसिटी, हमेशा ध्यान रखिएगा क्रिटिकल वेलोसिटी से कम होता है, कम होता है। और ये टर्बुलेंट फ्लो में क्या होता है कि और ये टर्बुलेंट फ्लो में क्या आता है ना कि जो इसका जो टर्बुलेंट फ्लो यानी टर्बुलेंट वेलोसिटी है वो क्रिटिकल वेलोसिटी से क्या होता है, ज्यादा होता है, यानी ये वेलोसिटी ज्यादा होता है क्रिटिकल वेलोसिटी से। यानी स्ट्रीम लाइन क्या होता है, क्रिटिकल वेलोसिटी कम होता है, और टर्बुलेंट क्या होता है, क्रिटिकल वेलोसिटी से ज्यादा होता है। अब आप लोग को इसी से रिलेटेड न्यूमेरिकल पूछेगा, आर बराबर रो रो भी डी बटा इट्टा। अब इसमें आप लोग को मिलेगा कि रेनॉल्ड्स नंबर अगर 1 था, देखिए ये हम इसमें अब कंफर्म नहीं बोलेंगे, अब पहले लिखते हैं रेनॉल्ड्स नंबर 1000 से कम रहेगा तो उसको हम लोग स्ट्रीम लाइन फ्लो या लेमिनार फ्लो बोल सकते हैं, और अगर रेनॉल्ड्स नंबर इज ग्रेटर देन 2000 होगा तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, टर्बुलेंट फ्लो बोलेंगे। लेकिन लेकिन क्या ध्यान रखना, इस वीडियो को देखिएगा पूरा तभी पता चलेगा, लेकिन क्या क्या पता चलता है ना कि कभी कभी ये जो बुक में है ना, कभी कभी बहुत ज्यादा बहुत जगह दे देगा, कभी बोलेगा कि रेनॉल्ड्स नंबर अगर 2000 से कम है, 2000 से कम है तो वो स्ट्रीम लाइन फ्लो हो जाएगा, और अगर रेनॉल्ड्स नंबर 4000 से ज्यादा है तब वो क्या होता है, टर्बुलेंट फ्लो होता है। और अगर ये दोनों कंडीशन में यानी दोनों के बीच में आ रहा है, दोनों के बीच में आ रहा है, तो उसको हम लोग ट्रांजिशन फ्लो या मिक्स्ड फ्लो बोल सकते हैं। लेकिन ये कंफर्म कैसे पता चलेगा, ये जो बुक में आप लोग को होगा उसी को फॉलो कीजिएगा। क्यों? क्योंकि देखिए जब फ्लूड मैकेनिक्स पढ़िएगा, जो स्पेशल फ्लूड मैकेनिक्स, उसमें ये चीज मिलेगा। कभी कभी पढ़िएगा बुक में, जो बुक में कभी कभी मिलता है ये भी मिल जाता है, 11th 12th वाला का बुक में पढ़िएगा तो 11th 12th में उसमें कुछ और मिल जाता है। तो आप लोग को जो बुक में दिया होगा उसी को फॉलो कीजिएगा, ठीक। हम बस दोनों बता दिए आप लोग, और रेनॉल्ड्स नंबर आई होप समझ गए होंगे, बस इसको रेनॉल्ड्स नंबर बोल सकते हैं कि रेनॉल्ड्स नंबर हम लोग पाइप को बचाने के लिए यूज किया जाता है। और क्या इससे, देखिए इससे हम लोग कंसिडर करेंगे रो, यानी जो जो पाइप से हम लोग को फ्लो करवाना है, मान लीजिए पानी फ्लो करवाना है तो पानी का डेंसिटी मालूम है वो कर लेंगे। और फिर देखिए ये जो वेलोसिटी है, ये वेलोसिटी कैसे मेजरमेंट करते होता है, मान लीजिए पानी से पाइप से फ्लो करवा रहे हैं तो इस वेलोसिटी को मेजरमेंट करना, पानी के वेलोसिटी को, तो उसको हम लोग वेंचुरी मीटर से मेजरमेंट करते हैं। अब बोलिएगा वेंचुरी मीटर क्या होता है, तो फिर उसका बहुत लंबा कहानी हो जाएगा। बस केवल जानिए कि अगर पाइप में पानी में फ्लो कर रहा, पाइप से पानी फ्लो कर रहा है तो उस पाइप में कितना वेलोसिटी, ये हम लोग वेंचुरी मीटर से मेजरमेंट करते हैं। पाइप का डायमीटर पता है,
अगर पानी फ्लो कर रहा है तो उसका कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी भी मालूम है क्योंकि इसका एक डाटा है। तो यहां से हम लोग क्या कैलकुलेशन कर लेंगे, रेनॉल्ड्स नंबर कैलकुलेशन कर लेंगे। और जब रेनॉल्ड्स नंबर कैलकुलेशन हो जाएगा तो हम लोग को पता चल जाएगा कि वो स्ट्रीम लाइन में फ्लो हो रहा है। अगर ये कंडीशन फॉलो करवाएंगे तो 1000 से अगर कम हो जाएगा रेनॉल्ड्स नंबर तो वो स्ट्रीम लाइन में फ्लो हो जाएगा, स्ट्रीम लाइन फ्लो होगा। और अगर 2000 से ज्यादा होगा तो क्या होगा, टर्बुलेंट फ्लो होगा। तो टर्बुलेंट फ्लो में क्या होता है कि पानी फटने का चांस थोड़ा ज्यादा होता है। जब पानी फटने का चांस ज्यादा होता है तो पानी का वेलोसिटी फिर क्या करेंगे, कम करेंगे और उसको हमेशा स्ट्रीम लाइन में ही लगेंगे। या ये कंडीशन भी अप्लाई कर सकते हैं लेकिन ये आपको बुक पे डिपेंड, हम आप ही लोग को बोल दे रहे हैं, आप ही लोग समझिएगा इसको, हम नहीं इसको बता पाएंगे क्योंकि हर एक जगह हर एक टाइप का मिलेगा। लेकिन जो आप लोगों को बुक में है बस वही कंसिडर करना है। जैसे जब सिविल, ये खासकर सिविल इंजीनियरिंग में ज्यादा यूज होता है, तो सिविल इंजीनियरिंग का जब प्रोजेक्ट मिलता है इरिगेशन डिपार्टमेंट का, थोड़ा सा बता देते हैं, जब इरिगेशन डिपार्टमेंट का प्रोजेक्ट मिलता है तो कहीं पानी का सप्लाई करना, तो वहां पे हम लोग को डाटा दिया जाता है, डाटा दिया जाता है और यही डाटा से हम लोग को आगे बढ़ना पड़ता है। तो इसका सीन अलग है, कॉन्सेप्ट है, तो वहां तक नहीं अभी पहुंचेंगे, बस इसको यहीं तक समझिए रेनॉल्ड्स नंबर क्या होता है। अब थोड़ा सा पढ़ लेते हैं टर्मिनल वेलोसिटी। टर्मिनल वेलोसिटी क्या होता है वो देखिए, देखिए टर्मिनल वेलोसिटी, टर्मिनल वेलोसिटी का हम केवल कॉन्सेप्ट आपको बताते हैं, कॉन्सेप्ट और उसको प्रूफ कर देंगे, लेकिन जो मतलब उसका जो डिफिनेशन होगा ना, वो डिफिनेशन बुक से आप लोग पढ़ लीजिएगा। देखिए बुक तो सब कोई पढ़ते हैं, जितना भी स्टूडेंट होते हैं सब बुक पढ़ते हैं, लेकिन बुक में जो पढ़ते हैं उसको रट लेते हैं, रट तो लेते हैं लेकिन उसको असल में समझ नहीं पाते हैं आखिर रियल में क्या है। तो रट तो आप लोग अभी भी रट लिए होंगे, हमको लग रहा है जहां तक रट चुके होंगे, लेकिन रियल में जो क्या है वो समझ में नहीं आया होगा। तो रट रट लिए होंगे ठीक है, लेकिन अब क्या करना समझ लेना तो और ज्यादा हो जाएगा, ज्यादा समझ में आ जाएगा। जैसे देखिए हम लोग क्या, टर्मिनल वेलोसिटी, टर्मिनल वेलोसिटी ये होता क्या है वो समझिए। सबसे पहले हम बेसिक से उठाएंगे आप लोग को, ये देखिए ये क्या है टर्मिनल वेलोसिटी, मतलब को ये भी एक प्रकार का क्या है, वेलोसिटी ही है। टर्मिनल वेलोसिटी भी एक प्रकार का क्या है, वेलोसिटी ही है। इसमें क्या भरे हुए हैं हम लोग, इसमें लिक्विड भरे हुए हैं, ये लिक्विड मतलब कुछ कुछ ही कुछ भी हो सकता है लिक्विड, लेकिन हम वाटर को ही कंसीडर करेंगे जनरल, क्योंकि वाटर हर एक जगह अवेलेबल है, फ्री में, फ्री फोकट में मिल जाता है पानी। तेल खरीदने जाइएगा तो कहाँ खोजिएगा उतना। ये देखिए ये क्या है हम लोग को, ये है हम लोग को क्या, कंटेनर, कंटेनर में वाटर भरा हुआ। अब क्या करते हैं कि एक जो बल्ब बॉल होता है ना, बॉल मतलब क्या, जो आप लोग क्रिकेट खेलते होंगे वो वाला बॉल उठा लीजिए, या छोटा जो 5 रुपए वाला बॉल मिलता है जो बहुत उछलता है, बहुत छटपटाता है इधर उधर, वो वाला बॉल उठा लीजिए। और उसको क्या करना है ना, बॉल ऐसा बॉल है, उसको क्या करना है कि इस पानी में ड्रॉप कर दीजिए, धीरे से इस सरफेस पे पानी पे रख दीजिए, तो वो देखिएगा ना वो जो बॉल है धीरे 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 क्या आएगा, धीरे धीरे नीचे आएगा, नीचे आएगा, धीरे धीरे नीचे आएगा। कब तक नीचे आएगा देखिए, ये जिस वेलोसिटी से नीचे आ रहा है वो टर्मिनल वेलोसिटी नहीं है, यहाँ ध्यान रखना है। तो क्या कर रहा है वो, धीरे 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 नीचे आ रहा है। और एक आप लोग 9th में पढ़े होंगे क्या कि जब भी बॉल नीचे गिरेगा तो नीचे से भी एक फोर्स लगता है, नीचे से भी एक फोर्स लग रहा है, कौन सा फोर्स है, नीचे से एक बायोवेंसी फोर्स। बायोवेंसी फोर्स मतलब उत्प्लावन बल, आप लोग पढ़े होंगे आई होप, जहां तक हम समझ पा रहे हैं आप लोग समझ रहे होंगे। इसको हम लोग अब थ्रस्ट फोर्स भी बोल सकते हैं ऊपर में, या उसको बोल सकते हैं बायोवेंस फोर्स, ठीक है। पहली बात तो ऊपर कौन सा फोर्स लग रहा है, पहला बायोवेंट फोर्स लग रहा है, और दूसरा कौन सा फोर्स लगेगा, देखिए जी ये जो बॉल है, ये बॉल तो नीचे आ रहा है, नीचे कैसे आ रहा है, ये अपना अपना वेट के चलते, वेट बराबर क्या होता है mg, यानी mg के चलते बॉल क्या आ रहा है, नीचे आ रहा है। लेकिन नीचे से भी कौन कौन सा फोर्स लग रहा है, पहला अब थ्रस्ट फोर्स लग रहा है, और दूसरा ये देखिए ये जो बॉल है, इस बॉल के जो सरफेस है, इस सरफेस के साथ पानी क्या कर रहा है, रगड़ खा रहा है, रगड़ के चलते क्या हुआ, वहां विस्कस फोर्स प्रोड्यूस होगा। और विस्कस फोर्स क्या होता है, हम बताया थे कि मोशन यानी जने गति कर रहा है उसका अपोजिट डायरेक्शन में लगेगा, तो यानी ऊपर एक और फोर्स कौन सा लग रहा है, ऊपर एक और फोर्स लग रहा है कौन, विस्कस, विस्कस फोर्स, जिसको हम लोग विस्कस ड्रैग भी बोलते हैं, यानी बोल सकते हैं कि इस बॉडी में एक फोर्स नीचे लग रहा है और दो फोर्स क्या हो रहे हैं, ऊपर लग रहे हैं। एक फोर्स नीचे कौन सा फोर्स लग रहा है, एमजी फोर्स लग रहा है, और ऊपर कौन कौन सा फोर्स लग रहा है,
पहला बायो एंड फोर्स लग रहा है, बी ओ वाई ए एन टी, बायो एंड फोर्स लग रहा है। स्पेलिंग में मतलब गलत होगा तो उतना मतलब नहीं सोचिएगा। और ये दूसरा कौन सा फोर्स लग रहा है, विस्कस फोर्स लग रहा है। आई होप यहां तक तो कोई कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ ज्यादा। अब देखिए, अच्छा ये एमजी कब तक नीचे आएगा, मतलब मास जो जितना उसका वेट है उस वेट के चलते नीचे कब तक आएगा, कब तक आएगा, एक लिमिट टाइम तक ही आएगा ना। और एक ऐसा सिचुएशन में आ जाएगा कि ये जो बायो एंड फोर्स प्लस विस्कस फोर्स ये दोनों मिल के क्या हो जाएगा, ये नीचे वाला एमजी हो जाएगा, मतलब नीचे के बराबर क्या हो जाएगा, ऊपर। उस सिचुएशन में क्या करेगा, बॉल वहीं पे रुक जाएगा, यानी इस पॉइंट पे जैसे ही बॉल आया तो इस पॉइंट पे क्या हुआ, एम जी बराबर दोनों जो ऊपर बायोवेलेंस फोर्स लग रहा था, विस्कस फोर्स। अभी देखिए बॉल तो नीचे आ रहा है, इसका मतलब क्या है कि विस्कस फोर्स और जो बायोवेलेंस फोर्स है उससे ज्यादा उसका अपना वेट था, तो ज्यादा वेट है तो नीचे जाएगा, पानी में नीचे जाएगा, ये तो सोचने वाली बात है। और जब ऐसा सिचुएशन आ जाएगा कि दोनों यानी बायोवेलेंस फोर्स यानी जो उत्प्लावन बल है और विस्कस फोर्स है यानी जो लिक्विड लगा रहा है फोर्स बॉडी पर, वो दोनों मिल के जो उसका अपना वेट है जो नीचे ग्रेविटी के चलते नीचे फोर्स लग रहा है, वो दोनों मिल के क्या हो जाएगा, एक दूसरे के पास बराबर आ जाएगा। और उस कंडीशन में क्या होगा ना कि बॉल रुक जाएगा। मान लीजिए बॉल क्या हुआ, यहां तक पहुंचा और यहाँ पे क्या हुआ, दोनों बराबर हो गया, यानी ऊपर वाला बराबर क्या हो गया, नीचे वाला बराबर हो गया। तो अब यहाँ क्या मतलब कह सकते हैं कि बॉल यहीं पे रुक गया। हाँ यहाँ रुकेगा लेकिन कुछ कुछ समय तक रुकेगा। और इसके बाद देखिए, इसके बाद जो खेला होता है, इसके बाद क्या होगा ना कि इसके बाद ये जो बॉल है वो बॉल क्या होगा कि धीरे, अब वहां से एक वहां पे वहां के बाद कोई फोर्स उस पे नहीं लगेगा। क्यों? क्योंकि देखिए एमजी एमजी बराबर क्या है, ऊपर बायवेंट और विस्कस फोर्स दोनों मिलके एमजी को क्या कर दिया, बैलेंस कर दिया। जब बैलेंस कर दिया तो वो तो ना ऊपर जाएगा अब ना नीचे जाएगा, लेकिन क्या होगा कि अब वहां से एक अपना फ्री फॉलिंग करेगा, जो बॉडी है वो यहां से फ्री फॉलिंग करेगा। और फ्री फॉलिंग के साथ 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 अब क्या होगा, फिर नीचे आएगा। उस पे देखिए उस पे कोई फोर्स नहीं लग रहा है। क्यों? क्योंकि दोनों इक्वल है। अब कोई बोलेगा तो नीचे ही क्यों जा रहा है, ये भी यहां से सवाल उठ सकता है, तो नीचे ही क्यों जा रहा है, ऊपर जाना चाहे था या यहीं पे रुक जाना चाहे था। नहीं, वो क्या करता है, धीरे धीरे नीचे जाता है। और वो जिस वेलोसिटी के साथ नीचे जाता है उसी वेलोसिटी को हम लोग बोलते हैं टर्मिनल वेलोसिटी। और ये वेलोसिटी हर एक जगह फॉलो होता है, बहुत जगह फॉलो होता है ये टर्मिनल वेलोसिटी। और अगर आप लोग बोल दीजिएगा कि एमजी ज्यादा हो गया, एमजी ज्यादा है तब नीचे आ रहा, तो मान लीजिए एमजी ज्यादा है तो बहुत ज्यादा वेलोसिटी के साथ ये नीचे आएगा। अभी देखिए ना, अभी इसको एग्जाम्पल में बताएंगे ना तो आप लोग को पता चल जाएगा। आई होप ये टर्मिनल वेलोसिटी आप लोग समझ लिए होंगे। अब थोड़ा सा इसको प्रूफ करते हैं, इसके बाद फिर आप लोगों को बताते हैं। तो सबसे पहले ऊपर कौन कौन सा फोर्स लग रहा था, एक बायवेंट फोर्स लग रहा था, एक विस्कस फोर्स लग रहा था, और नीचे कौन कौन सा फोर्स लग रहा था, ग्रेविटी फोर्स यानी उसका जो अपना वेट है वो फोर्स नीचे की ओर काम कर रहा था। तो अपवार्ड डायरेक्शन में कौन कौन सा फोर्स लग रहा है, अपवार्ड डायरेक्शन में देखिए ये जो विस्कस फोर्स है, ये सबसे पहले लिखते हैं विस्कस फोर्स। ये देखिए ये विस्कस फोर्स, हम आप लोग को एक थे स्टॉक्स लॉ को फॉलो करते हुए हम इसको प्रूफ कर रहे हैं। और यहां देखिए हम स्टॉक्स लॉ को डायरेक्ट फॉर्मूला यूज करेंगे, हम उसको प्रूफ करेंगे नहीं, क्योंकि आप लोग को उतना सिलेबस में है नहीं पूरा पढ़ना, लेकिन हम आप लोग को इतना भरोसा दिला दे रहे हैं कि आप लोग को समझ में आ जाएगा। अच्छा से देखिएगा तो थोड़ा मन लगा के, ये नहीं कि कहीं गाना बज रहा है और उधर ध्यान है और इधर वीडियो देख रहे हैं, तो इसे नहीं होगा। तो देखिए विस्कस फोर्स यहां से कौन सा होता है, और ये देखिए ये स्टॉक्स लॉ के द्वारा दिया हुआ है, क्या सिक्स पाई इटा आर भी। ये कौन सा लॉ है, स्टॉक्स लॉ, STOKES स्टॉक्स लॉ। इसको थोड़ा ध्यान में रखना है कि ये विस्कस फोर्स स्टॉक्स लॉ के बराबर यानी 6 पाई इटा आर भी के बराबर है। यहाँ पे इसको ध्यान रखना है। ये तो क्या था, अपर डायरेक्शन, ये को फोर्स हुआ। दूसरा क्या है, बायवेंस फोर्स, BUOYANT बायवेंट फोर्स। बायवेंट फोर्स कैसे निकलता है आप लोगों को पता होगा, बायवेंट फोर्स कितना होता है, जितना इसका वॉल्यूम था और उस वॉल्यूम यानी जितना इसका वॉल्यूम था उसके बराबर जितना पानी डिस्प्लेसमेंट किया है,
और उस डिस्प्लेसमेंट का जितना पानी का वेट होगा वही कहलाता है क्या, बायवेंट फोर्स। तो इसको हम लोग कैसे निकालेंगे, बायवेंट फोर्स हम लोग को निकालने का तरीका क्या है, सो देखिए, जितना पानी यहां से डिस्प्लेसमेंट किया था उसी का तो वेट लेंगे, तो यहां क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट जितना पानी किया उसका वेट लेना है, ध्यान रखिएगा। तो यहां हम लोग क्या लिखेंगे, एम जी, क्या जितना इसका वॉल्यूम था और जितना पानी डिस्प्लेसमेंट किया उसका वेट है, न कि इस बॉडी का वेट है, ध्यान रखिएगा। जो बॉडी डाले हैं उसका वेट नहीं है ये कौन सा वेट है, जो पानी, हिंदी में लिख देते हैं यहां, जो पानी विस्थापित किया है बॉल उसका वेट है ये, ध्यान रखना। और यहां देखिए एम जी, हम एम निकालते हैं, एम हम लोग क्या जानते हैं, घनत्व बराबर द्रव्यमान बटा आयतन जानते हैं। तो यहां जो पानी का तो यहाँ पे क्या होगा, जैसे देखिए यहाँ था हम लोग को बायवेंट फोर्स, बायवेंट फोर्स यानी हम लोग को यहाँ मास निकालना है, तो डेंसिटी बराबर हम लोग क्या लिखते हैं, डेंसिटी बराबर मास बटा वॉल्यूम। और ये किस चीज का डेंसिटी है, ये हम लोग का क्या है, ये हम लोग को सिग्मा है, सिग्मा सिग्मा, ये किसका डेंसिटी है, ये हम लोग को पानी का डेंसिटी, क्यों, क्योंकि पानी डिस्प्लेसमेंट हुआ है, पानी डिस्प्लेसमेंट हुआ है। तो यहां से हम लोग क्या होगा, सिग्मा इंटू वी वॉल्यूम, तो यहाँ क्या होगा, सिग्मा इंटू वॉल्यूम इंटू जी होगा। अब देखिए ये वॉल्यूम, ये किसका वॉल्यूम, माने जितना उस बॉडी का वॉल्यूम था, जितना उस बॉडी का वॉल्यूम था उतना ही तो डिस्प्लेसमेंट किया, तो वॉल्यूम किस टाइप का था, गोला था, गोला, तो गोला का वॉल्यूम क्या होता, 4/3 πr³, ये गोला का वॉल्यूम होता है 4/3 πr³। और क्या होगा यहाँ, सिग्मा इंटू जी होगा, ठीक है, बायवेंट फोर्स निकल गया। अब देखिए बायवेंट फोर्स निकल गया और फिर विस्कस फोर्स भी निकल गया, अब निकालते हैं उसका वेट, वेट ऑफ बॉडी, जो यानी वेट, WEIGH, सॉरी, वेट ऑफ बॉडी, ये कहाँ लग रहा था, डाउनवार्ड डायरेक्शन में, डाउनवार्ड में लग रहा था। तो ये कैसे निकलेगा, ये भी इसका जो वेट है अपना क्या होगा, एम जी होगा। तो एम जी फिर यहां निकालते हैं हम लोग, एम को हम लोग वही डेंसिटी, जो डेंसिटी बराबर मास बटा वॉल्यूम था उससे कैलकुलेट करते हैं। तो यहां पे डेंसिटी किसका लेंगे, यहां पे डेंसिटी ये जो बॉडी का डेंसिटी तो लेंगे, क्योंकि बॉडी का वेट ले रहे हैं हम, तो हम लोग तो बॉडी का डेंसिटी लेंगे, तो हम लोग को क्या मिलेगा, इसको बॉडी का डेंसिटी को हम लोग रो से डिनोट करते हैं, रो भी इंटू जी, रो इंटू वॉल्यूम इंटू जी अपना जी होगा। अब देखिए रो को रो छोड़ते हैं, और यह वॉल्यूम, बॉडी का वॉल्यूम भी यहाँ क्या होगा, 4/3 πr³, तो भी लिखते हैं यहाँ 4/3 πr³ रो इंटू क्या होगा, जी, रो इंटू जी, इतना हो गया। अब यहां लिख देते हैं, देखिए ये जो रो है, ये जो रो है, ये रो क्या है, डेंसिटी ऑफ क्या है, रो डेंसिटी ऑफ बॉडी, सॉरी बॉडी, और ये सिग्मा यहां क्या है, डेंसिटी ऑफ लिक्विड, इतना हो गया। अब देखिए अब दोनों को इक्वेट कर देना, दोनों का अपवर्ड फोर्स था अब दो, और एक जो डाउनवर्ड फोर्स है, दोनों को इक्वेट कर दिए, कि तो यहां से हम लोग क्या मिलेगा, 6 πr² + 4/3 πr³, यहाँ सिग्मा इंटू जी बराबर ये हो जाएगा 4/3 πr³ रो इंटू जी, इतना हो जाएगा। इसके बाद इसको 4/3 πr³ इधर ले जाइए, तो यहाँ मिलेगा 6 πηr भी बराबर 4/3 πr³, इधर ले गेंगे तो 4/3 πr³ और इंटू जी कॉमन आ जाएगा, मतलब 4/3 πr³ इंटू जी कॉमन आ जाएगा, तो हम लोग क्या मिलेगा यहाँ, रो माइनस सिग्मा। अब ये पाई से ये पाई कैंसल आउट हुआ, फिर इट्टा नहीं होगा, ये एक आर से ये एक आर कैंसिल होगा। तो अब देखिए यहाँ जो वेलोसिटी था, ये वेलोसिटी हम लोग को क्या मिल जाएगा, यहाँ पे जो टर्मिनल वेलोसिटी वो मिल जाएगा, भी बराबर यहाँ क्या हम लोग लिखेंगे, 4/3 यहाँ होगा r² जी होगा, यहाँ क्या मिलेगा, रो माइनस सिग्मा बटा नीचे क्या मिलेगा हम लोग को, 6 6, और ये इट्टा, 6 और इट्टा मिला। अब यहां से काट देते हैं, 2 × 2 = 4 और 2 × 3 = 6। अब हम लोग को फाइनल क्या मिलेगा, भी बटा 2/3 दिया है 9, 2/3 r² g इंटू रो माइनस सिग्मा बटा इट्टा,
ये हम लोग को फाइनल रिजल्ट मिला, और यही हम लोग का क्या है टर्मिनल वेलोसिटी, 2/9 आर स्क्वायर जी रो माइनस सिग्मा बटा इटा। इटा भी यहाँ क्या है सबका दे देते हैं, इटा हम लोग को यहाँ कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी है 2/9 कॉन्स्टेंट है, आर बराबर क्या है, आर बराबर रेडियस ऑफ ये जो बॉल था, रेडियस ऑफ ऑब्जेक्ट या रेडियस ऑफ बॉडी, और जी स्पेसिफिक ग्रेविटी है, रो क्या है यहाँ पे हम लोग को, रो है हम लोग को डेंसिटी ऑफ बॉडी, और सिग्मा क्या है, सिग्मा हम लोग को डेंसिटी ऑफ लिक्विड, ये है हम लोग को यहाँ पे। अब देखिए अब यहाँ पे ये जो वेलोसिटी था ये हम लोग को क्या मिला टर्मिनल वेलोसिटी, और यही टर्मिनल वेलोसिटी यहाँ जो इक्विलिब्रियम होगा बॉडी इक्विलिब्रियम कंडीशन में आएगा तो वहां के बाद यही वेलोसिटी के साथ वो नीचे गिरेगा, मतलब नीचे धीरे 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 आएगा। और ध्यान रखिए ये टर्मिनल वेलोसिटी हम लोग को बहुत यूजफुल है, बहुत काम देता है, बहुत जगह काम देता है। जैसे देखिए एग्जाम्पल तौर पर अगर इसको देखना है तो जैसे देखिए जो पानी हम लोग को गिरता है, जो छोटा छोटा बूंद गिरता है वो समझ रहे हैं कितना ऊपर से, मान लेते हैं कि 300 मीटर ऊपर से पानी गिर रहा है, 300 मीटर एच से पानी गिर रहा है, उसका इनिशियल वेलोसिटी कितना है 0 मीटर पर सेकेंड है, तो उसका फाइनल वेलोसिटी निकालते हैं तो भी बराबर क्या होगा यू स्क्वायर, यू जीरो है, यू स्क्वायर प्लस 2as, यानी 2a कितना है, ए 10 ले लेते हैं, और एच यानी एच कितना है 300 मीटर, यानी वेलोसिटी कितना हो जाएगा 3 × 6 = 1 2 3 1 2 3 6000 का अंडर रूट निकालिए वही उसका वेलोसिटी हो। अगर ये टर्मिनल वेलोसिटी हम लोग को नई जेनरेट होता है यहाँ पे इस बॉडी में, यानी लिक्विड जो ऊपर से पानी गिरा तो लिक्विड देखिए कितना वेलोसिटी से नीचे आता, अंडर रूट 6000 मीटर पर सेकेंड नीचे आता। अगर 300 मीटर ऊपर से पानी गिर रहा है तो कितना मीटर पर सेकंड से वेलोसिटी से नीचे, अंडर रूट 6000 मीटर पर सेकंड, ये समझिए जो गोली होता है ना बंदूक उससे भी ज्यादा वेलोसिटी से ये नीचे गिर रहा है, तो वो जो पानी गिरता है ना ऊपर में हम लोग को जो माथा है ना माथा फोड़ देता, अगर ये टर्मिनल वेलोसिटी समझ रहे हैं, इतना वेलोसिटी से अगर कोई भी वस्तु हमारे या छत्ता पे गिरे या हमारे सर पे गिरे जिसमें बारिश होती है, इतना वेलोसिटी से पानी गिरे तो हम लोग जिंदा रह पाएंगे, लेकिन इतना वेलोसिटी से नहीं गिरता वहां पे भी क्या होता है यही कंडीशन अप्लाई होता है, वहां पे भी जो उसका बूंद है ना वो बूंद का जो एमजी है वो ऊपर वाला जो फोर्स लगता है इन्वायरमेंट के साथ उसमें वाइब्रेंट फोर्स आ जाता है और प्लस में विस्कस ड्रैग फोर्स आ जाता है और दोनों इक्वेट होके इक्वल में आ जाता है और वहां के बाद वो टर्मिनल वेलोसिटी के साथ नीचे गिरने लगता है। देखिए सोच के देखिए ये कंडीशन, और ऐसा ऐसे क्या होता है ये पैराशूट जो होता है ना, पैराशूट आप लोग देखेंगे कि जंप करता है ऊपर से, वो भी उसमें भी ये कंडीशन फॉलो होता है, अगर उसमें भी सोचिए अगर इतना वेलोसिटी से नीचे गिरेगा वो आदमी तो क्या उसका हाल होगा। तो यहाँ आई होप समझ में आ गया होगा टर्मिनल वेलोसिटी होता क्या है, टर्मिनल वेलोसिटी मतलब क्या कि ये कांस्टेंट वेलोसिटी है, कांस्टेंट वेलोसिटी मतलब धीरे 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 नीचे आता है, और ये किस पे डिपेंड करता है, ये देखिए ये रेडियस के स्क्वायर पे, यानी कुछ भी ले लीजिए जो पैराशूट होता है वो भी तो इसी टाइप का होता है ना, अगर इसको पूरा हम लोग गोल बना दें तो भी एक पैराशूट ही बन जाएगा, छोटा छोटा पानी का बूंद होता है वो भी तो गोला ही है, और फिर क्या आप डेंसिटी पे डिपेंड करता है और किस। आई होप यहाँ तक सब समझ में आ गया होगा, अब आप लोग क्वेश्चन कीजिए जितना ज्यादा से ज्यादा हो सकता है क्वेश्चन बनाइए, क्वेश्चन नहीं सोल्व होता है तो आप लोग बताइए कमेंट कीजिए, और वीडियो को जितना ज्यादा से ज्यादा हो सके शेयर किया कीजिए, शेयर करते हैं तो फिर मोटिवेशन मिलता है, नहीं करते हैं तो फिर ऐसे ही ठीक है, बस इतना ही हो गया। और अगले चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे सिंपल हार्मोनिक मोशन पढ़ेंगे थोड़ा, और केमिस्ट्री का भी डिमांड आ रहा था तो केमिस्ट्री का भी क्लास आप लोग को शुरू कर दिया जाएगा बहुत जल्दी ठीक, तो पहले सिंपल हार्मोनिक मोशन को खत्म कर लेते हैं इसके बाद फिर ठीक। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, अच्छा नहीं लगा हो तो डिसलाइक कीजिएगा, लेकिन जरूर कुछ कीजिएगा, सपोर्ट करते रहिए इसी तरह से ठीक, थैंक यू।